आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस आप जानते हैं कि वीडियोस किस तरीके से अपलोड हो रहे हैं। पहला वीडियो हमने जेएनयू का अपलोड किया था, आज ये दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। 1998 से लेकर 2013 तक को हमने अपलोड किया था, आज भी 1998 से लेकर 2013 तक का है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंटीग्रेशन कहाँ, एरिया अंडर कर्व कहाँ है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर ये सारे टॉपिक यहाँ पर रहे। पूरा पूरा कंटेंट आप जानते हो कि एकदम से नहीं दिया जा सकता है और आप सारे कंटेंट को समझ नहीं पाएंगे, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। अब 2013 से लेकर 2018 का और वेट करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? उसका एक रीज़न है, मैंने बताया कि लगभग तीन बार जेएनयू का पेपर के पैटर्न को अपडेट किया गया है। जो 2017 और 18 जो अभी बीच में आए हैं उनका पेपर और अपडेटेड है, तो उसके बारे में तो आप बिल्कुल वेट करते रहे, जब वो अपलोड हो तो आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इस बार बुधलास के 3 साल का पेपर को पैटर्न जरूर आपको देखना है। मगर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लेवल जो पहले आता था वो भी कहीं कम नहीं था, उससे आपको आइडिया मिलता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ की एनालिसिस ये दिखाती है कि सारे टॉपिक, अगर इंटीग्रेशन लें आप, अगर डिफरेंशिएशन लें, लिमिट लें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लें, फंक्शंस लें, डिफरेंशियल इक्वेशन लें, ये पूरे पूरे कंबाइन किए जाए तो ये एक कैलकुलस बनती है। क्या बनती है? कैलकुलस। मगर एक सिंगल टॉपिक इंटीग्रेशन से 53 क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री से 77 आ रहा है, तो इंटीग्रेशन को आप एक टॉपिक ले लें, पूरा एक टॉपिक बन गया है। विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को देखें तो वो कहीं ना कहीं वो भी 34 क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिट के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक छोटा सा पार्ट है लिमिट, लिमिट देखा जाए छोटा सा पार्ट, मगर जेएनयू के मामले में ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो कैलकुलस पूरी इंपॉर्टेंट है, पूरी कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, प्रोबेबिलिटी, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो मेजर पोर्शन कवर करते हैं, ये अभी भी कवर करेंगे। विदाउट प्रोबेबिलिटी आप भूल जाइए, कि मतलब प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के बिना आप जेएनयू निकाल लें, भूल जाइए। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जेएनयू एक प्री बोर्ड एग्जाम की तरह है निमसेट के लिए। जो निमसेट का वेट कर रहे हैं, सबसे पहले अच्छे से जेएनयू जब फाड़ेंगे, कहने का था फाड़ने का मतलब टॉप में आएंगे, पहली लिस्ट में कब्जा करेंगे, उनका टॉप 50 में अभी तक क्या देखा गया। अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सारे टॉपर्स हर साल के उठा लीजिए, मेरे इंदा से मारूला क्लासेस ने जितने भी टॉपर्स को प्रोड्यूस किया है वो सारे टॉपर्स जेएनयू में जरूर उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो हर बार का एनालिसिस है, मैं ही मानता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि जेएनयू को जो निमसेट वाले हैं उनको भी टारगेट कर रखना है कि जेएनयू निकालना है, और जो लोग स्पेशली जेएनयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, निमसेट उनके पास किसी कारणवश नहीं है, उनके लिए स्ट्रांग फाइट होगी, क्योंकि पहले पहले वो निमसेट वाले सारे कूदेंगे। हमेशा निमसेट से पहले जेएनयू एग्जाम होता है, तो ये आपके लिए टफ कंपटीशन होगा कि वो फ्रेश माइंड से लगे होंगे, निमसेट का पूरा पूरा सिनेरियो उनके साथ घूम रहा होगा, अच्छे लेवल तैयारी कर रहे होंगे। तो जो लोग भी जिनके पास परसेंटेज नहीं है, बार बार ये बात बोलते हैं कि मेरे पास परसेंटेज नहीं है, मैं किसकी तैयारी करूंगा, अगर आप अधूरे मन से तैयारी करते रहेंगे तो वो भी आप खो देंगे, वो भी चांस आपका मिस हो जाएगा। एनालिसिस इसलिए निर्णायक कि आप इसको देख लें, रख लें। एनालिसिस इसका मतलब है एक एनवायरमेंट क्रिएट करना, बार बार जब इस टाइप की एनालिसिस आपके सामने आती है तो एक माहौल बनता है, एक कंपटीशन का माहौल बनता है, आपको बार बार इनकरेज करती है। तो इनकरेजमेंट के लिए हम लोग डाल रहे हैं, एक मोटिवेशन ही समझो इसको, कि एनालिसिस एक मोटिवेशन है। और इतनी मेहनत करने के बाद सारे बच्चों, अगर आप ये देखते हैं और इतनी मेहनत इसके पीछे की गई है, मैं नहीं बोल रहा कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर रियल में ये जो चार्ट है इतने आसानी से तैयार नहीं होता है। अगर आप एक बार चार्ट आप प्रिपेयर करिए, एक टॉपिक आप प्रिपेयर करिए, भेजिए मुझे, फिर आपको पता जाएगा उसका एहसास कि उसके सामने उसके साथ कितनी मेहनत की गई, एक्यूरेट कितना कैलकुलेट किया है। जिन बच्चों ने और अपडेट कराया था वो बच्चे तो बिल्कुल सैल्यूट लैंक हैं। अगर इसमें भी लगता है कि कोई भी चीज़ इसमें मिस है, आप भेजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए काम आएगी, हमेशा ही काम आएगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, बहुत सारे लोग इस पर लगे हुए हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उसको आप मोटिवेशन की तरह लीजिए और लग जाइए। एग्ज़ाम कभी भी हो, जैसे जेएनयू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आई थी दिसंबर में होने वाला है, अभी ऐसी कोई हलचल नहीं है, मगर कभी ना कभी एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम जल्दी से कोई चीज़ आती है कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है या देर में होना है, इसका फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप एकदम तैयार रहें, बिल्कुल एकदम मोटिवेशन के साथ, और ये एनालिसिस का पार्ट है, समझ मोटिवेट होना। बताइए कैसा लगा, जो अभी रिसेंट अपडेट और हम लोग करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, बार बार अपडेट करते रहेंगे, पूरी पूरी एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे। आप जरूर बता रहे कैसा लगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी मोटिवेट हो गए होंगे आप लोग, ठीक है, और लगे रहिए, अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। थैंक यू।
आगे वाले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे, कुछ नया आइडिया आप दीजिए, भेजिए मेरे पास, डिस्कस करिए, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया करेंगे।